वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक थीमेटिक इक्विटी फंड स्कीम का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि ऑफर्ड है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ये लॉन्च हुआ था 20th of September 2007 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1st of January 2013 को। मिस्टर अंकित पांडे और मिस्टर वासव सहगल इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। अंकित पांडे इस फंड को May 2020 से मैनेज कर रहे हैं और वासव सहगल April 2022 से। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का। फ्रेंड्स, ये स्कीम फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करने का और इसका गोल है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। हाउएवर, सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरह यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है, समझते हैं। ये फंड इन डेप्थ रिसर्च कैरी आउट करता है उन कंपनीज और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को राइड करने के लिए तैयार हो। ये ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो कि सेट हो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल यानी कि कैपेक्स साइकिल में हो रही रिवाइवल से बेनिफिट उठाने के लिए और फिर फर्दर इवैल्यूएशन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैपेक्स साइकिल क्या होती है। वेल, ये बेसिकली वो प्रोसेस है जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अंडरगो करती है। अब आप बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स वो फंड्स होते हैं ना जो कंपनी यूज करती है फिजिकल एसेट्स को एक्वायर, अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए, लाइक प्लांट्स, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फंड उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिनके पास ना सिर्फ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हों बल्कि जो हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी दिखा रहे हों। इस फंड का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एक अनकॉन्स्ट्रेंट अप्रोच यूज करता है, जिसका मतलब है कि फंड फ्री है पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स हासिल करने के लिए, सभी एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं क्वांट फंड मैनेजर के VLRT फ्रेमवर्क यानी कि वैल्यूएशन एनालिटिक्स, लिक्विडिटी एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स और टाइमिंग को यूज करके। अब यहाँ वैल्यूएशन एनालिटिक्स में इन्वॉल्व है प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता करना। लिक्विडिटी एनालिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है अक्रॉस असेट क्लासेस मनी के फ्लो को समझना। रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है ये पता करना कि आखिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कुछ एक्शंस और रिएक्शंस लेने के लिए क्या ड्राइव करता है। और फाइनली टाइमिंग में इन्वॉल्व होता है उन साइकल्स से अवेयर रहना जो ऊपर के 3 डायमेंशंस के इंटरेक्शन को गवर्न करता है। चलिए अब हम कैटेगरी मिक्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% सेक्टर फंड्स के केस में किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और थीमेटिक फंड के केस में किसी इन्वेस्टमेंट थीम में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30th September 2023 ये स्कीम 97.47% इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है और रिमेनिंग 2.53% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती आई हैं। आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। फ्रेंड्स, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की कैश होल्डिंग्स 12 महीने के पीरियड में यानी कि September 2022 से September 2023 के बीच में क्या रही हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि मंथ टू मंथ कैश होल्डिंग्स फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट कंडीशंस पे। वेल, जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग थी वो मई 2023 में 7.3% थी और वहीं जो लोवेस्ट थी वो सितंबर 2022 में 0.32% थी। जो लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स हैं वो एज ऑफ सितंबर 2023 है 2.53%। तो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा अबव 92% ही रही
रही है जैसे कि आपने देखा। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 980.3 करोड़ का। एग्जिट लोड है 0.5% अगर 3 महीने के अंदर अंदर रिडीम की जाती है यूनिट्स। बेंचमार्क की हम बात कर चुके हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1 ईयर में है 2.26 टाइम्स। यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को कितनी ऑफन बाय या फिर सेल कर रहे हैं। इस फंड का PTR है 226% का एक साल में, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को क्वाइट ऑफन चेंज कर रहे हैं, और जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 189.41% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को पिछले एक साल में अपने पीयर्स से ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। दैट इज फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को पीयर्स के कंपैरिजन में कम ड्यूरेशन के लिए ही होल्ड किया है। चलिए अब बात करते हैं थीमैटिक फंड कैटेगरी की। फ्रेंड्स, थीमैटिक फंड एक टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी एक कॉमन इन्वेस्टमेंट थीम के साथ ना लिंक्ड हो। अनलाइक दूसरे सेक्टोरल फंड जो अक्सर बहुत नैरो फोकस के साथ आते हैं, ये थीमैटिक फंड्स एक वाइडर रेंज यानी कि बड़ी रेंज ऑफ कंपनीज एंड सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि किसी एक शेयर्ड कॉन्सेप्ट से बंधी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि लेट्स से सीमेंट, पावर, कंस्ट्रक्शन, स्टील, कैपिटल गुड्स। अब सभी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो एज ऑफ 30th September 2023 इस फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था अक्रॉस 28 स्टॉक्स, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 57%। वेल, ये दिखाता है कि फंड रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है। एज ऑफ सितंबर 2023, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था, जिसका फंड के पोर्टफोलियो में एक 8.72% का एक्सपोजर था। अगर हम मार्च 2023 को चेक करें ना, तो फंड के टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग सेम नहीं थे, और वैसे भी ये इस फंड के हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ समझ में आता ही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, DLF लिमिटेड और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड मार्च 2023 में फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स में नहीं थे। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखें ना, तो फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स रिड्यूस हुई हैं। ये थी 6.41% इन सितंबर 2022, ये हो गई है 5.62% इन सितंबर 2023। अब आगे आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड पे। ये फरवरी 2023 में फंड पोर्टफोलियो में एड हुआ था। नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी जुलाई 2023 में रिसेंटली ही फंड के पोर्टफोलियो में एड हुआ है। सिमिलरली DLF लिमिटेड भी अप्रैल 2023 में यानी कि रिसेंटली ही एड हुआ है। हाउएवर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स बढ़ गई है। ये थी सितंबर 2022 में फंड के एसेट्स का 4%, और ये हो गई है सितंबर 2023 में एसेट्स का 6.44%। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ सितंबर 2023, फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरीके से हैं। कंस्ट्रक्शंस 11.16%, फाइनेंस 8.72%, रियल्टी 6.62%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स एट 6.38% एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 6.35%। अगर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करें मार्च 2023 के लिए, तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे, और ये इसके हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी एविडेंट है भी। फर्दर, अगर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करें अक्टूबर 2022 के लिए, तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इस वजह से है क्योंकि ये फंड इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि उनकी वोलेटिलिटी के लिए जाने ही जाते हैं। इसलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर कर रहे हैं ना, तो आपको इसके रिटर्न्स में होने वाले पोटेंशियल सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके रिटर्न्स गारंटीड नहीं है।
और ध्यान रहे equity investments जैसे कि ये, इन्हें आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ ही अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरह आपको शॉर्ट टर्म में होने वाली मार्केट फ्लक्चुएशंस को आसानी से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। हाउएवर, हमेशा ध्यान रखें कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी स्टेक पे लगा हुआ है, इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में जरूर रखें। ये क्रूशियल है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले। ऑलराइट, तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन यानी कि शुरुआत से ही 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तो आपको अराउंड 4.72 लाख रुपीज आज मिल गए होते। इस स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 16.81% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 43.08% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। वेल, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देख लिया जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया है। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 15.82% जनरेट किया, और वहीं इसके बेंचमार्क यानी कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI ने ज्यादा यानी कि 26.67% जनरेट किया। हाउएवर, अगर हम 3 ईयर पीरियड को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 42.83% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 28.2% यानी कि इससे कम दिया है। ऑल्सो 5 ईयर्स में फंड ने एक CAGR ऑफ 26.46% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने अगेन इससे कम 17.8% ही जनरेट किया है। फंड ने इंसेप्शन से ही यानी कि शुरुआत से ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब आप स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द पीयर ग्रुप एज ऑफ 21st of October 2023। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है, यानी कि 3 ईयर और 5 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में, लेकिन 1 ईयर पीरियड में नहीं कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग रिसीव की है वो है एज हाई एंड एज थर्ड एंड first 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बात है ना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। हाउएवर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिस्क के बिना नहीं आते हैं, और ये इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या एक इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए गुड इन्वेस्टमेंट है भी या फिर नहीं, आपको कंसिडर करना चाहिए कि ये क्या रिस्क कैरी कर रहे हैं। एंड दैट्स वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पिक्चर में आते हैं। देखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि इक्विटी फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो ये उठा रहा है। बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करने में हेल्प कर सकते हैं। उनमें से कुछ रेशियोज यूं हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.52% का। सेकंड, बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। देखिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का बीटा 0.58 है, विच मींस जो बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की है। तीसरा रेशियो, शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। देखिए, सिंपल टर्म्स में कहे तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए फंड कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.98 का। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट के लिए इस फंड ने 1.98 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड है। हाउएवर, इस फंड का एक हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ऑफ 226% है। इस फंड ने अपने पीयर्स को और अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। फर्दर, आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि ये
एक वेरी हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में आता है और इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को एसेस कर लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस हो। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।